नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की घटना जब आप सुनोगे तो आपका रूह कांप उठेगा, आपके कानों पर भरोसा नहीं होगा कि समाज में ऐसे भी दरिंदे होते हैं जिस वजह से पूरी जो मर्द जाति हो या कोई भी हो वो इंसानियत शर्मसार होता है। दोस्तों घटना है सुपौल ज़िले की, जहाँ पे एक व्यक्ति जो कि मुंबई में रंग पेंट का काम करता था, उसकी पत्नी गांव में दो बच्चों के साथ रहती थी। कभी कभी वो गांव आता जहाँ पे कुछ दिन अपने परिवार के संग बिताता और फिर चले जाता। लेकिन उस समय की जो घटनाएं थी, जिसे सुन करके आपको यकीन नहीं होगा, उस जो मुंबई में रहता था, रंग पेंट का काम करता था, वहाँ पे उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है मुंबई में, जहाँ पे वो सोचता है कि किसी भी तरह से अपने गांव में जो पत्नी है उससे पीछा छुड़ाया जाए। इसीलिए वो कई बार फ़ोन पे वो अपनी पत्नी को कहता कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, किसी भी कारण से ये बात कहता कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे अब मुंबई में ही रहना है, यहाँ पे मुझे काम करना है, यहाँ पे मैं किसी और के साथ रह लूँगा। ये सारी बातें वो अपनी पत्नी को डेली फ़ोन पे कहता, धमकाता, डराता, ताकि उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली जाए। लेकिन उसकी पत्नी उसे बार बार ये समझाती, ये कहती, गुहार लगाती कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हमारे दो बच्चे हैं, तुमने साथ साथ रहने का वादा किया था, इस तरह से कई सारे बातें कहता। लेकिन वो उसका पति जो है वो सुनने को तैयार नहीं रहता, डेली फ़ोन पर झगड़ा करता। एक दिन अचानक ऐसा आया जब वो मुंबई से गांव आया, वहाँ पे अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की, मतलब डेली मारता अपनी पत्नी को। एक समय ऐसा आया कि वो तंग आ गया अपनी पत्नी से, जब पत्नी उसे बार बार समझाती, उसे कहती कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हमारे अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकते हो, तो उसने मतलब गुस्से में आकर के, या कह सकते अपनी आपा खो करके, वो गर्म लोहा, जी हाँ, एक रॉड, आयरन रॉड जो है, लोहे का रॉड, उसको गर्म करके अपने पत्नी के सारे शरीर पे उसको दाग दिया। जी हाँ, उसे गर्म लोहे से पूरे शरीर हो, चाहे हर जगह हो, उसे उसका इस्तेमाल करके जो कह सकते दागना स्टार्ट कर दिया। और पत्नी चिल्लाती रही, कोई भी नहीं आया मदद कर के लिए, सामने तक कोई नहीं आया। वो पति जो है वो लगातार उसको डेली उस रॉड से दागता, और मतलब कह सकते हैं कुछ दिन जब फिर भी उसकी पत्नी ने उसको नहीं छोड़ा, तो फिर एक दिन वो गुस्से में आ करके उसी रॉड से उसके प्राइवेट पार्ट को भी जला दिया। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने के बाद आपको शायद कान पे यकीन नहीं होगा, आश्चर्य लगेगा। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, जब इसकी छानबीन की, और जब मुझे ये सुनने को मिला, तो मेरा भी मतलब मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था उस समय कि ये इस तरह के भी इंसान होते हैं, जहाँ पे जो पूरी तरह से, जो कि एक पत्नी को या महिला को एक देवी का रूप माना जाता है हमारे देश में, वहाँ पे इस तरह के हरकत होते हैं। और उसके बाद जब ये सारी घटनाएं हुई, उसके बाद उसका पति फरार हो गया। जी हाँ, उसके बाद पति फरार हो गया। फिर जो पड़ोसी थे उसको अस्पताल, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, हालांकि इलाज चल रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस तरह के लोग होते हैं जो कि समाज ही को नहीं, पूरे देश को बदनाम करने पे लगे हुए रहते हैं। और साथ ही नारी जाति का भी जो एक उदाहरण दिया गया है इस घटना के तरफ से, कि किस तरह से अपनी पत्नी के साथ बर्बरता कह सकते हैं, या क्या, इसके लिए मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि वो आदमी किस तरह का आदमी होगा जो इस तरह से आयरन रॉड को गर्म करके अपने पत्नी के ऊपर ये अत्याचार किया। दोस्तों अपनी राय, अपनी सुझाव हमें अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो समाज में इस तरह के लोग रहते हैं उसके वहाँ पे भी ये वीडियो पहुँचे, और उनको थोड़ी सी भी कुछ भी समझ में आए। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, पुलिस तलाश कर रही है उस पति की जो अभी तक फरार है। लेकिन आशा करते हैं बहुत ही जल्द वो मिल जाएगा, जाएगा तो जाएगा कहाँ और कितने दिन तक भागेगा, देखते हैं आने वाले समय में इसकी क्या रिपोर्ट आती है।
आशा करता हूँ उस महिला को जरूर पुलिस न्याय दिलाएगी और बहुत ही जल्द जो कह सकते हैं वो पकड़ा भी जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के क्राइम एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। क्राइम एपिसोड के अगले एक सच्ची घटना को लेकर के फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।